समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस देता क्या क्या है हमको? ये बिजनेस देता है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम किस चिड़िया का नाम है? मनी फ्रीडम क्या है? मनी फ्रीडम है कि जब भी कोई भी चीज खर्चा करने की बात आए, खरीदने की बात आए, तब आप अपना बजट के बारे में चिंता ना करो, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? मनी फ्रीडम है। थोड़े दिन पहले मैं एप्पल के स्टोर में गया और मेरे को एक वॉच पसंद आ गई। एप्पल की नई वॉच आई थी, स्मार्ट वॉच। उसने मेरे को पूरा डेमो दिया, सेल्समैन को लगा कि ये खरीदेंगे क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट है। इनके पास 81,000 का फोन था, मेरे पास पहले से हाथ में लगा था, तो उसने उसको लगा, उसने बताया पूरा तरीके से। एक मिनट भी मैंने ना सोचते हुए वो वॉच अपने लिए ले ली, क्योंकि आदमी को बजट देखने की जरूरत नहीं अगर उसको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम अगर उसके पास है तो। समझ आ रहा है? खरीदने से पहले अगर आप महंगा सस्ता सोच रहे हो, खरीदने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि एक लूं कि दो लूं कि चार लूं, अगर ये मन में ख्याल चल रहे हैं खरीदने से पहले, कुछ भी, बच्चों की फीस देने से पहले ये सोचना पड़ रहा है कि सिलेंडर पहले भरवाएं कि फीस पहले दें, अगर ये चुनाव करना पड़ रहा है हर महीना कि आज ये काम करें, अगले महीना वो करें, तीसरे महीना ये करें, पहले महीना ये करें, इसका मतलब यू डोंट हैव अ टाइम फ्रीडम। समझ आ रहा है कि नहीं? जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं ये तय कर सकता हूं अगर उनके पास मनी फ्रीडम नहीं है तो वो कपड़े पहन के बैठे हैं जो उनको एक्चुअली पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने गए थे कुछ और, डेमो पे टंगा था कुछ और पसंद आया कुछ और, लेके आ गए कुछ और, क्योंकि बजट ही अलाउ नहीं था, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। ऐसी ही जिंदगी जी के मैं बड़ा हुआ हूं, लेकिन आजकल मेरे को धन्यवाद इस बिजनेस को देता हूं कि मेरे को टाइम फ्रीडम दिया, मनी फ्रीडम दिया। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बिजनेस के जरिए हासिल किया जा सकता है। टाइम फ्रीडम मेरे पास कैसे है कि जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो 26 दिन पढ़ाने जाता था, 4 संडे की छुट्टी होती थी। सुबह सुबह सर्दियों के दिन होते थे और बहुत ठंड लगती थी, और ठंड के टाइम पे 6 बजे मेरे को उठना पड़ता था, 5:30 बजे उठना पड़ता था, 6 बजे कोचिंग जाना है, अलार्म की घड़ी बजती थी, रजाई में मैं से हाथ निकालता था, अलार्म की घड़ी को एक दो बार बंद करता था, फिर वो तीसरी बार बजती थी, कभी कभी घड़ी को उठा लेता था अपने हाथ में, मेरे को मन करता था कि साले को फेंक के दीवार में मारूं इसको, है ना? ठंड में ऐसे लगता है कि नहीं आपको? उठना पड़ता है जबरदस्ती, लेकिन फिर मुझे समझदारी आती थी कि नहीं छोड़ इसको यार, रख दे, फिर दोबारा खरीद के तेरे को ही लानी पड़ेगी। और गरीबी के दिन चल रहे थे और मुझे मन मार के उठ के जाना पड़ता था। आज कैसी जिंदगी है मेरी इसके दिन से, 26 दिन मेरी छुट्टी होती है भाई साहब, कितने दिन, और हफ्ते में कोई 4 दिन मेरे को ऐसा काम करना पड़ता है जो आपके सामने कर रहा हूं, सही है? और इन 4 दिनों की तनख्वाह मेरे पास उतनी आती है जो मैंने आपको बताई थी। दूसरा, मेरी मन मौजी है, अब जो मैं करूं, कैसे करूं, क्या करूं, मेरे को नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं। जिस टाइम सारे लोग तैयार होके सुबह 10 बजे अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं, जब देवेंद्र शर्मा गोल्ड जिम का बैग लेके जिम में 2 घंटा 10 से 12 कसरत करने जा रहा होता है, मेरे को नौकरी पे जाने की किसी की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है?